जिंदगी खराब की है, तुम्हारे लिए ही मैंने। चलिए बालक सभी लोग आ जाइए, शराब पी है। चलिए दोस्तों आ जाइए, निकिता सिंह, राधे राधे सर। निकिता जी आप आए, बाहर आए। चलिए बालक आ जाइए, संध्या 7:30 बजे आ जाइए बालक। आज ऑड टू ऑटम का हम लोग बालक ऑब्जेक्टिव करेंगे। चलिए बालक आवाज वगैरह कैसा है एक बार कमेंट कर दीजिए। एवरीथिंग इज फाइन, लेट अस स्टार्ट द क्लास। चलिए बालक जल्दी से कमेंट कर दीजिए, और सबसे पहले तो लाइक वगैरह, अभी तक एक भी लोग नहीं आए हैं, एक ही लोग हैं। चलिए जल्दी से सब लोग आइए, तो पहले आ जाओ बालक। लाइक 3 वो है, लाइव 1। ये कैसे हो गया, आज उल्टा चल रहा है। लाइक का मात्रा ज्यादा, लाइव का मात्रा कम। जल्दी से आइए बालक। आ जाओ बालक। चलिए जितना भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जल्दी से एक बार आइए बालक, 7:30 बज गया है। हम पिछले 2 मिनट से लाइव हैं बालक, आ जाइए। अगर अभी तक आप में नोटिफिकेशन नहीं गया तो एक बार बता दीजिए, क्या हुआ सर अभी तक कोई लाइव नहीं आया है। पता नहीं बालक निकिता जी आज लाइव इतना क्यों है और अभी तक क्यों नहीं आया। अमन आया है, गुड इवनिंग सर। अमन जी आपका स्वागत है। जल्दी से बालक आइए, तो सभी लोग आज बालक हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं ऑड टू ऑटम का। सूरज कुमार पासवान, हेलो सर। हेलो सूरज जी, अब आ रहे हैं, हो सकता है लेट से आ गया। ऋषुराज आ गए सर, मोस्ट वेलकम। सोनू, हेलो सर। हेलो बालक, आइए बालक आइए, जल्दी से सब लोग आइए। तो आर्या, आर्या जी आप बड़े दिन के बाद लगता है क्लास आए हैं। चलिए बालक आज हम लोग ऑड टू ऑटम, ODE, ऑड टू ऑटम का बालक हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ऑड टू ऑटम जितना अभी तक आप पढ़े हैं उसका हम बालक ऑब्जेक्टिव पार्ट देखेंगे। ऑड टू ऑटम ऑब्जेक्टिव बालक, ऑब्जेक्टिव फॉर 2023, यानी 2023 के लिए बालक हम ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। चलिए बालक एक बार जल्दी से जो लोग नहीं जुड़े हैं शेयर वगैरह कर दीजिए, कहीं कुछ आ जाए। 10, निकिता सिंह गुड इवनिंग आर्या जी। स्टार्ट किया जाए बालक। मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम तो दूसरा लखन। जी सर, जी सर। चलिए बालक आप सभी को बात को ध्यान में रखते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं बालक। कर दिए हैं सर शेयर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बालक, उम्मीद है आप लोग को समझ में आएगा। चलिए बालक ऑब्जेक्टिव है, ऑल टू ऑटम जो पढ़े हैं उसी के बेसिस पर कुछ घर पर काम था। हाँ बालक अभी लाइव कम रहने का एक और वजह है कि सबको कुछ ना कुछ घर पर थोड़ा सा काम है, झाड़ फूक का काम सब जगह चल रहा है, तो हम भी बड़ा समय से समय निकाल के आते हैं। लाइक भी सब कर दो। विवेक कुमार है सर,
स्वागत है विवेक जी आपका। निकिता सिंह गुड इवनिंग रिमझिम जी, हमको लगता है निकिता और रिमझिम जी में बड़ा अच्छा सा संपर्क हो गया है। चलिए बालक, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है बालक, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। कहा जा रहा है पर बिना कोई विलंब किए हुए कि डैश डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एट द एज ऑफ 26, यानी 26 साल की उम्र में ट्यूबरक्लोसिस से किसका मौत हो गया, जल्दी से बताइए तो बालक, जल्दी से कमेंट करिए। अविनाश कुमार हेलो सर, ठीक है बालक जल्दी से करिए। और बालक जवाब देने से पहले हमेशा नंबरिंग दे दीजिएगा, एक का ए नंबरिंग देकर करना है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। एक का ए ऐसे करके कमेंट करिए, एक का ए बी जो भी हो, एक का ए हो बी हो सी डी जो भी हो, एक का ए ऐसे कमेंट करिए। इस तरह से क्या होगा हम समझ पाए कि आपका जवाब सही है या गलत। ए जॉन किट्स, रिमझिम जी बहुत बढ़िया। विवेक कुमार ए सूरज का है, एक निकिता का, एक का एक, बहुत बढ़िया बालक। अमन ठीक है, ए जॉन किट्स बहुत बढ़िया। आर्या जी और किसी का, हाँ बालक हम बताए थे ऑड टू ऑटम जिसको लिखा है जॉन किट्स, उसका मृत्यु भगवान किंग आ गए हैं, उसका मृत्यु 26 साल के उम्र में ट्यूबरक्लोसिस के कारण हुआ था। तो उम्मीद है सबका जवाब सही आया बालक, एकर जवाब हो जाएगा जॉन किट्स। जॉन किट्स जो एक रोमांटिक पोएट भी थे, उनका मृत्यु 26 साल की उम्र में हो गया था। किसी को कोई तकलीफ नहीं बालक, ऑब्जेक्टिव है, दंदनाते हुए चलेंगे, कोई तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए बालक दूसरा क्वेश्चन है, हु हैज कंपोज्ड द पोएम ऑड टू ऑटम, ऑड टू ऑटम को किसने लिखा है, जल्दी से नंबर के साथ आंसर बताना चालू कर दीजिए बालक, नंबर के साथ आंसर दीजिए। दो का क्या होगा आंसर, जल्दी से सभी लोग बताइए, ऑड टू ऑटम को किसने लिखा है। रिमझिम का जवाब है दू का किड्स, ठीक है बहुत बढ़िया। दू का ए, दू का ए है किड्स, बहुत बढ़िया बालक। और कोई, दू का अमन ए, ठीक है सुजीत कुमार दू ए, आर्या दू के ए, बहुत बढ़िया बालक। क्योंकि पिछला क्वेश्चन ही और टू ऑटम जॉन किट्स लिखा है, वही क्वेश्चन के लिए। मिस्टर रितेश गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग रितेश जी, थोड़ा सा शेयर वगैरह रितेश करो, तुम्हारे बैच का एक भी स्टूडेंट्स नहीं कनेक्ट हो पा रहा है, यानी मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आपके बैच का कनेक्ट नहीं होता इस बैच में, ठीक है बालक। रितेश नंबर दे देना, एक दो नंबर दे देना फिर कमेंट करना। विवेक दू का ए, बहुत बढ़िया बालक, आसान क्वेश्चन था। जॉन किट्स ने और टू ऑटम इस ओ डी ई ऑड टू ऑटम, ऑड टू ऑटम को बालक जॉन किट्स ने लिखा है, ऑड टू ऑटम को किसने लिखा है, जॉन किट्स ने लिखा है, याद रखिएगा, जिनका 26 साल के उम्र में ट्यूबरक्लोसिस के कारण मृत्यु हो गया था, ठीक है बालक। और इस ओड का मतलब होता है कविता, इस ओ डी ई का मतलब होता है कविता। उम्मीद है आप लोग बड़ा अच्छा इसको समझ में आ रहा है। रूबी ए, रूबी का जवाब भी सही है, ठीक है बालक, हाँ उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आप सभी बालक जल्दी से दीजिए। भगवान किंग हाय सर, भगवान जी आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। चलो बालक, ऑड टू ऑटम इज रिटेन इन, ऑड टू ऑटम कब लिखा गया है जल्दी से बताइए तो कमेंट करके बालक, ऑड टू ऑटम कब लिखा गया है बालक। ऑड टू ऑटम 1819 ईस्वी में लिखा गया है, सिर्फ आपको वर्ष महीना बता देना है, तीन का ए अक्टूबर 1819। चलिए बालक और सभी लोग बता दीजिए, सब में बालक एक चीज कॉमन है 1819, क्या कॉमन है 1819। ऑड टू ऑटम कब लिखा गया है, डेट सहित, डेट नहीं पूछ रहा है सिर्फ मंथ पूछ रहा है बालक, तो 1819 ईस्वी में अगर बालक नहीं किताब में कराए होंगे तो यहां से याद रखेगा, ऑड टू ऑटम को सितंबर महीने में 1819, अक्टूबर रितेश हाँ अक्टूबर 1819 ईस्वी में लिखा गया है, ठीक है बालक। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, 1819 में तीन का भी बालक। अच्छा सितंबर या अक्टूबर, नवंबर दिसंबर नहीं होगा बालक, या तो सितंबर होगा या अक्टूबर होगा। रिमझिम अक्टूबर 1800, क्योंकि हमको ध्यान से उतर रहा है सितंबर या अक्टूबर, तीन का ए, हाँ बालक अक्टूबर ही होगा, ध्यान से उतर रहा है, हाँ ये कंफर्म है कि नवंबर और दिसंबर नहीं होगा, अक्टूबर या सितंबर में से कोई आंसर होगा। भगवान की अक्टूबर, सबका जवाब अक्टूबर ही आ रहा है, तो चलिए अक्टूबर ही मान लिया जाए, क्योंकि हम मिस कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान नहीं हमको सिर्फ इसवी आता बालक। चलिए अगला क्वेश्चन बालक,
कराते हैं अक्टूबर, ठीक है बालक, अक्टूबर ही होगा, कुछ कुछ याद आ रहा है। चलिए बालक, और टू ऑटम, और टू ऑटम क्या है बालक, यानी यह एक कविता है, क्या है एलिगी बालक। एपिक का मतलब होता है गाथा, एपिक का मतलब होता है गाथा, और का मतलब होता है कविता, एलिगी का मतलब होता है बालक शोक गीत, एलिगी का मतलब होता है शोक गीत, मरने के बाद जो गाना गाया जाता है। कैसन मारे लक्ष्मण देवरवा, बैलेट का भी मतलब गाथा के सेंस में होता है बालक। तो एलगी का मतलब होता है बालक शोक गीत मरने के बाद। हाँ, कुमारी रिमझिम का जवाब सही है, चार का सी। और टू और टर्म, यहाँ पर और का मतलब है बालक कविता, और का मतलब है कविता, तो ये जो चैप्टर होगा वो ऑड ना होगा, यानी कि चैप्टर आपका कविता ना होगा। चार का सी अमन जी ठीक है, आर्या का ठीक है, भगवान का ठीक है, और कोई बालक और बताइए। रितेश एंड और, बहुत बढ़िया रितेश जी, रूबी चार का सी, बहुत बढ़िया रूबी जी, और कोई चलिए बालक ठीक है। यहाँ तक किसी, निकिता सिंह चार का सी, बहुत बढ़िया बालक, आप सभी का जवाब बहुत बेहतरीन से और खूबसूरती के साथ आ रहा है, उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो एक बार कमेंट कर दीजिए, नो डाउट, फिर आगे क्वेश्चन लगाते हैं बालक। एक बार कमेंट कर दीजिए, नो डाउट, विवेक कुमार का आया चार के सी, और विवेक जी थोड़ा सा फास्ट कमेंट करिए, एक बार कमेंट कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, नो डाउट, निकिता सिंह नो डाउट सर, अमन नो प्रॉब्लम, और बालक ऑब्जेक्टिव को एकदम पी जाना है, एकदम पी जाना है, अमृत समझ का पी जाना है, कि खुराक ले लेंगे तो ऑब्जेक्टिव में 50 हमारा आ जाएगा, यह समझ का पी जाना है रिमझिम नो सर। चलिए बालक अगला क्वेश्चन के लिए आप सभी तैयार रहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए आक्रमण करने के लिए। चलिए बालक, इन और टू ऑटम किड्स डील विद डैश इन डिटेल, यानी और टू ऑटम किस मौसम के बारे में कहा गया है, जल्दी से कमेंट करिए। पांच नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, और टू ऑटम किस मौसम के बारे में कहा गया है, स्प्रिंग समर विंटर या ऑटम, किस मौसम के बारे में कहा गया है, जल्दी से बता दीजिए एक बार सभी बालक। और टू ऑटम किसके बारे में किया गया है, कौन सा महीना के बारे में किया गया है, एक बरस के मौसम, चार मौसम चार, पांचवा मौसम प्यार का इजहार का था, एक बरस में मौसम चार, ठंडा गरम बरसात और बसंत, ये चार को मौसम मिल नहीं पाया था, तो पांच के स्प्रिंग। हाँ बालक, आय हाय हाय स्प्रिंग, अमन स्प्रिंग नहीं, हाँ पांच का निकिता सिंह जी ए नहीं होगा, यहाँ पर ऑटम की बात किया गया है, साफ साफ अक्षरों में कहा गया है और टू ऑटम, तो ऑटम है डील विथ, यानी डिटेल में ऑटम के ना बारे में, ये आपके फंसाने के लिए स्प्रिंग दे दिया है बालक, आपको फंसाने के लिए स्प्रिंग दे दिया गया है, और कोई बात नहीं है। आर्या पांच का डील, रूबी पांच का डील, बहुत बढ़िया बालक, बहुत बढ़िया रिमझिम पांच का डी ऑटम, ठीक है बालक एकदम बढ़िया जा रहे हैं आप सभी लोग, बड़ा खूबसूरती के साथ जा रहे हैं बालक। निकिता सिंह जी कोई बात नहीं, मिस होता है कोई बड़ी बात नहीं। चलिए बालक नेक्स्ट क्वेश्चन, और टू ऑटम कंसिस्ट ऑफ, बालक और टू ऑटम कितना पैराग्राफ में था, हम कल बताए थे 5, 10, 15, 20, 25, 30, तो बता दीजिए कै गो पैराग्राफ, यानी एक स्टेंजा में 5 से 10 लाइन हुआ करता है, तो एक स्टेंजा में 5, 5 को मान लेते, वहां तो नंबरिंग किया हुआ था, कल हम जब पढ़ाई से लिखा हुआ था 5, 10, 15, 20, तो ऐसा कै गो है बालक, यानी 5, 5 को बालक कै गो है बता दीजिए, टोटल था 30। चलिए हम आपको हिंट भी दे देते हैं, टोटल था 30, टोटल था 30 मार्क किया हुआ था, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा, 6 का आंसर क्या होगा बता दीजिए। स्टेंजा का मतलब होता है पैराग्राफ, वाक, यानी 6 का बी, निकिता सिंह जी 6 का, बालक ए गो में अगर 5, 5 को पहला लाइन था या 6, 6 लाइन था, तो 30 गो है, तो 30 गो में 6, 5, 30, यानी आर्या का जवाब एकदम सही है डी, बालक इसका आंसर हो जाएगा डी, 6 है, यानी ए गो में 5, 5 करके लिखा हुआ था, 5, 10 था, 15 था, 20 था, 25 था, 30 था, 1, 2, 3, 4, 5, 6 गो ना है बालक, तो आंसर डी हो जाएगा,
नीतीश कुमार का ठीक है, कुमारी रिमझिम सिक्स का डी सिक्स एक्सट्रेंजा, बहुत बढ़िया बालक रिमझिम जी, आप बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। नीतीश का भी जवाब ठीक है डी, नीतीश का भी जवाब है डी, बहुत बढ़िया है। चलिए बालक, उम्मीद है इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, एक बार कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अगला क्वेश्चन लगाते हैं बालक, एक बार कमेंट कर दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर अगला क्वेश्चन लगाते हैं। बोलो बोलो बालक, कमेंट नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, निकिता सिंह ठीक है बालक, आ रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया नेक्स्ट, ठीक है बालक, तैयार रहिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ऑब्जेक्टिव है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा बालक। यहाँ पर इस क्वेश्चन को कुछ कराने का आवश्यकता नहीं है, सब करवाए हुए बालक। द थीम ऑफ ऑटम इज, यानी ऑटम में यानी बसंत वाला ऋतु में क्या डिटेल में कहा गया है सो बता दीजिए। ऑप्शन है स्कार्सिटी, ऑप्शन है एबंडेंस, ऑप्शन सी है फुलफिलमेंट, मैच्योरिटी, ऑप्शन डी नन ऑफ दी। हम स्कार्सिटी का मतलब भी बता देते हैं, स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी, एबंडेंस का मतलब होता है ज्यादा तो बालक, और मैच्योरिटी का मतलब होता है एक प्रकार का फुलफिलमेंट, पूरा के सेंस में होता है। चलिए बालक जल्दी से इसका कमेंट कर दीजिए, सात का डी, सेवन डी, नन ऑफ, बालक इसका आंसर नन ऑफ दीज नहीं हुआ, इसका आंसर है, इसका आंसर है बालक। सात का क्या होगा आंसर बता दीजिए, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेवन। नीतीश का है डी, और कोई बाबू, तू मिले सका हमको। नीतीश कुमार मोसर, रूबी राय, हाय रूबी राय आप थोड़ा सा विलंब कर दिए, कोई बात नहीं, पांच सात क्वेश्चन ही कराए हैं, अब से बालक रेगुलर है। सात का सी, हाँ बालक, और टू ऑटम न कमी को दर्शाया है न ज्यादा को दिखाया है, भगवान किंग आपका जवाब गलत है। और टू ऑटम न कमी को दिखाया है न ज्यादा को दिखाया है, और टू ऑटम एक प्रकार का पूर्ण रूप को दिखाया है, मैच्योरिटी को दिखाया है, जवान के सेंस में दिखाया है कि कैसे कैसे बालक पतझड़ के मौसम में सब कुछ। सर मेरा नेट बहुत स्लो है, सूरज कुमार पासन, कोई बात नहीं बालक, आपका नेट स्लो होने के बाद भी आप क्लास में हैं, इससे बड़ी खुशी हमारे लिए क्या हो सकता है। और मियां खलीफा जी आपसे विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप अपना थोड़ा सा नाम बदल लीजिए बालक, अन्यथा हमको ब्लॉक करना पड़ जाएगा बालक, यह सब नाम बर्दाश्त नहीं होगा, ऐसा पढ़ने वाला मॉल में सब नाम ठीक नहीं है बालक। तो आपसे विनम्र निवेदन है, विनम्र कहिएगा तो पैर आपका पकड़ लेते हैं, यह नाम नहीं बालक, कोई दूसरा रख लीजिए, आप सिर्फ खलीफा रख लीजिए, उसमें से वो हटा दीजिए, सही नहीं लगता है बालक, ये एकदम गलत बात है, ये सब नाम रख लेते हैं बताइए, एक दो नादानी समझ में आता है बार बार डेली के डेली, नाम बदल दीजिए मियां खलीफा जी, अन्यथा हम आपको ब्लॉक कर देंगे। ज्वाइन भी जॉनी भी कह है मियां, नीतीश जी आप सीरियस उसको नहीं लिए, हो सकता है अगर समझदार स्टूडेंट होगा तो समझ जाएगा, अन्यथा आइंदा वो आएगा तो बालक बहुत खराब लगता है, आपको हम जब ब्लॉक करेंगे तो हमको हृदय बहुत रोएगा, इसीलिए हम नहीं चाहते हैं कि किसी को ब्लॉक करें, तो कृपया करके नाम बदल लीजिए। चलिए बालक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कीट्स वाज डैश पोएट, कीट्स कैसा कवि था। सर रणवीर है, जो कोई भी हो बालक कृपया करके अच्छा नाम रखिए, क्योंकि इसमें गर्ल्स भी है बॉयज भी है और कई बार गार्जियन भी हमारा एक दो वीडियो यानी लाइव में रहते हैं, तो ऐसा बार अब नाम रहता है पढ़ लेते हैं बालक, तो नाम पढ़ेंगे अच्छा लगेगा। आठ का ए, आठ का ए, चलिए जवाब आ रहा है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का, ठीक है बालक, आठ का ए, आठ का ए, आर्या एट ए, बहुत बढ़िया बालक, यानी जॉन कीट्स है जो एक रोमांटिक पोएट है, ये पहला लाइन में ही हम कल परसों बता दिए हैं कि जॉन कीट्स जो है लव लाइटिस वाला कहानी लिखा करते थे, यानी रोमांटिक कवि थे, जॉन कीट्स रोमांटिक कवि थे। लहाना सिंह है, लहाना सिंह जी आप बड़ा विलंब कर देते हैं क्लास में आने में, कृपया करके क्लास समय से आइए,
जब हम 7:30 बजे आते हैं तो आप भी 7:30 बजे आया करें। रूबी 8:00। बहुत बढ़िया रूबी जी, आपका जवाब सही है। देखिए बालक, पढ़कर बनाने में एक और ही मजा है, पढ़कर बनाने में एक और ही मजा है। जैसे आपने जॉन किट्स के बारे में बढ़िया से हम पढ़ा दिए हैं या आप पढ़ चुके हैं, तो क्वेश्चन कितना इजी लग रहा है। अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव कराते तब आपको कितना ज्यादा तकलीफ होता। चलिए बालक, हेलो मिस गोलू जी, ठीक है बालक, मेरा सही है। ठीक है बालक नीतीश की, सूरज कुमार पासवान ए। ठीक है बालक, ये बड़ा कल का जो हम पैराग्राफ परसों का क्लास करवाए थे 19, उसमें बालक पहला ही लाइन है जिसमें बताया गया था कि जॉन किट्स जो थे वो एक प्रकार का रोमांटिक कवि थे। ठीक है बालक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बनाइए। हु कॉल्ड ऑल टू ऑटम मोस्ट सेटिस्फाइंग ऑफ ऑल द वर्ड्स, कौन कहा था बालक, कौन ऐसा कहा था। ये हम नहीं पढ़ाएंगे 9 नंबर, ये हम 9 नंबर नहीं पढ़ाएंगे, और इसका पॉसिबिलिटी है एग्जाम में 9 के बराबर आने का, क्योंकि जो चीज बुक में नहीं लिखा हुआ रहता है आपका एग्जामिनर उस प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो बालक 9 का सही आंसर होगा आर्थर कॉम्पटन रिकेट, यानी रिकेट ने कहा था ऑड टू ऑटम यानी किट्स मोस्ट सेटिस्फाइंग, यानी रिकेट ने कहा था कि जो ऑड टू ऑटम जिसको लिखा है जॉन किट्स, उसका सबसे बेहतरीन कविता है। और भले ही हम इस व्यक्ति का नाम नहीं बताए हैं, मगर हम चैप्टर में जरूर बताए थे ये बात बालक, 9 का डी होगा। हाँ सनोज कुमार पर, हम ये बात जरूर बताए थे कि ऑड टू ऑटम से ही जॉन किट्स को फेमस हुआ था, यानी उसी से वो प्रचलित हुआ था, यह बात हम जरूर बोले होंगे, यह बात हम जरूर बोलेंगे। प्यून का भर्ब क्या होगा बालक, प्यून नाउन होता है, और नाउन का बालक कभी भर्ब 1 या नहीं होगा। भर्ब और नाउन दोनों दो चीज होता है। प्यून का मतलब होता है चपरासी बालक, और इसका ये भर्ब नहीं, ये नाउन है। नाउन में बालक आप कह सकते हैं सिंगुलर नाउन है, तो इसका भर्ब 1 कैसे बनेगा बालक। ठीक है, इस क्वेश्चन को उम्मीद है समझ पा रहे हैं। एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगाते हैं बालक। ईच स्टेंजा ऑफ ऑड टू ऑटम बालक, यानी प्रत्येक स्टेंजा में क्या लाइन है, प्रत्येक स्टेंजा में क्या लाइन है, 10 का बता दीजिए। आपका नोटिफिकेशन नहीं आता है राजीव सर का, आता है मास्टर मीडियम, हो सकता है मेरा नोटिफिकेशन नहीं आता है, और पता नहीं इसका क्या कारण है, हो सकता है कल हम आपका ऑफलाइन में मोबाइल एक बार चेक कर लेंगे, कहीं कुछ हो जाए। ठीक है सर, 9 का समझ में नहीं आया, चलिए बालक 9 का एक बार फिर से समझा देते हैं। बालक कौन व्यक्ति 9 का क्वेश्चन लगा दिए, कौन व्यक्ति बोला था कि ऑड टू ऑटम है जॉन किट्स का सबसे बढ़िया लेखक है, सबसे बढ़िया कविता लिखा है अपने पूरे जीवन काल में। तो बालक यह किताब में नहीं है, और इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है, फिर भी याद रखिएगा बालक, रिकेट जो थे यानी आर्थर रिकेट जो थे, वह बोले थे जॉन किट्स के बारे में कि सबसे बढ़िया कविता अभी तक जॉन किट्स लिखा है। मान के चलिए कोई भी आदमी का जब किताब चल जाता है या कोई भी आदमी का कविता चल जाता है, तो कोई ना कोई प्रशंसा करेगा ना कि बहुत बढ़िया लिखा है, चाहे कोई बुराई करेगा कि खराब लिखा है। तो रिकेट साहब बोले थे कि बड़ा अच्छा लिखे। ठीक है बालक, चलिए 10 का बालक 10 का जवाब बता दीजिए। इस स्टेंजा, हर स्टेंजा कितना लाइन का था बालक, एक बार बता दीजिए। देखिए बालक, हर स्टेंजा कितना लाइन का था थोड़ा सा बता दीजिए, हर स्टेंजा कितना लाइन का था एक बार बता दीजिए मेरे भाई, हर स्टेंजा कितना लाइन का था। लाइफ में कमी हो रहा है बालक, 10 का डी बालक, 14 लाइन का, तो 14 को में, हालांकि यह क्वेश्चन हम गलत मानते हैं। देखिए बालक, वहां पर स्टेंजा था 5, 10, 15, 20, 25, 30 कर देता। हर स्टेंजा में ओवरऑल देखा जाए तो 5 से 6 लाइन था, हर स्टेंजा में 5 से 6 लाइन, अगर 5-6 लाइन के अकॉर्डिंग देखें तो 11 वाला सही हो जाएगा बालक। इस क्वेश्चन को हम गलत मानते हैं, और अगर इसका आंसर बाई चांस मारना हो तो इसका आंसर 11 होगा बालक, क्योंकि 2 का जोड़ के 1 दे दिया, 5 × 2 = 10, तो चलो भाई 11। ठीक है, 10 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो 11 मार देते हैं, और जब पहला पैराग्राफ पढ़िएगा गिनिएगा तो उसमें 11 लाइन ही था। यह वाला क्वेश्चन
गलत है, इसमें होना चाहिए 5, 6, 7, 8 इस प्रकार से ऑप्शन होना चाहिए। मगर अगर 10 दे दिया है तो हम अकॉर्डिंग टू दुगना करके चलेंगे, 5 दुना 10, 10 के बगल में 11, तो वह मार्क है हुए चलेंगे। ठीक है, समझ में आया बाबू, 11 होगा सर। हाँ बालक 11 ही, इसका आंसर 11 ही हम मारे, ये 13 नहीं मारे, इसका आंसर हम 11 ही बताए। रजनीश किंग प्रणाम सर, प्रणाम, आ रहा सही। ठीक है बालक, अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए और थोड़ा सा नंबर दे दीजिएगा, नंबर नहीं देते हैं तो समझ में नहीं आता है बालक, नंबरिंग दे के आंसर करिएगा। चलिए इसका जवाब बता दीजिए बालक, हु हैज बीन पर्सोनिफाइड इन ऑड टू ऑटम, ये क्वेश्चन अभी हम रिपीट कर दिए हैं। ऑड टू ऑटम में किसको बनिया बताया गया है, किसके बारे में डिटेल में बताया गया है, जल्दी से 11 नंबर क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, जल्दी से 11 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए बालक, 11 का बी ऑटम। अभी निकिता सिंह जी, हाँ आप सही किया निकिता जी, आर्य 11 का भी, सनोज 11 का भी, ठीक है सनोज जी। चलो बालक 11 का भी, अभी हम इस चैप्टर में पढ़ाए हैं, इस चैप्टर में बालक ऑटम के बारे में बताया गया, किसके बारे में, पतझर के बारे में बताया गया, 11 का भी। रिमझिम जी आपका जवाब सही है, 11 के बी। ये क्वेश्चन रिपीटेड है तो कोई घबराने का बात नहीं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जॉन कीट्स ने कौन सा चैप्टर लिखा था, 12 नंबर बता दीजिए। तो बालक जॉन कीट्स क्या लिखे थे, मेरे दो अनमोल रतन जल्दी से बता दीजिए, जॉन कीट्स ने क्या लिखा था जल्दी से बता दो, जॉन कीट्स ने कौन सा चैप्टर लिखा था, 12 का बी और टू ऑटम। बहुत बढ़िया बालक, 12 का बी, ये तो कितना बार हो गया है, और टू ऑटम को जॉन कीट्स ने लिखा है, इसी को उल्टा कर दिया, 12 का बी और टू ऑटम। रूबी 11 का बी, 11 के बाद देख लेते हैं क्या है। हाँ बालक 11 का बी है, 12 का बताइए बालक बी, ठीक है बालक। रूबी राय आपका सही है, आर्या और टू ऑटम सही है, जॉन कीट्स ने। चलिए बालक एक बार बता दीजिए तो एन ईपी थैप किसने लिखा है, किलर बॉय राकेश, क्या हाल है सर। किलर बॉय राकेश जी अभी तक हम बढ़िया है मगर थोड़ा सा मायूस है क्योंकि लाइव कम रहता है, तो आप लोग जितना ज्यादा शेयर हो सके करिए बालक, 20-30 लोग भी अगर लाइव नहीं रहता है तो मेरा लाइव रहने का कोई खास फायदा नहीं है, 10 लोग 15 लोग रहिएगा, बताइए इतना सारा आपका फ्रेंड है, मेरे इतने ऑफलाइन में स्टूडेंट्स हैं, फिर भी बालक इतना कम, बहुत नाइंसाफी है और आप लोग मेरा हृदय तोड़ देते हैं। 12 का बी, ठीक है बालक। चलिए बताइए तो एन ईपी थैप किसने लिखा है, किसी को जानकारी है तो बता सकते हैं, एन ईपी थैप किसने लिखा है, नहीं पहचाने सर, किलर बॉय राकेश जी हम आपको नहीं पहचानेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। और मेरा एक खास बात है, हम अपने स्टूडेंट्स को कभी नहीं बोलते हैं, सर आप ऑफलाइन क्लास आए थे, हाँ बालक हम ऑफलाइन आए थे, आप ही आज नहीं आए थे। चलो बालक एन ईपी थैप यानी कब्र पर किसने लिखा था बताइए बालक, एन ईपी थैप किसने लिखा था, द सोल्जर लिखा है रूपर्ट ब्रूक, ऑल टू ऑटम जॉन कीट्स, फायर हिम केकेएन दारू वाला, एन ईपी थैप किसने लिखा है बता दो बालक, कब्र पर क्या करोगे तुम आखिर, कब्र पर मेरी आकर थोड़ी देर रो लोगे फिर दूसरा फंसाओगे। एन ईपी थैप शायद लिखा है वाल्टर डीला मियर, द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक, फायरिंग सर मम्मी है। अच्छा बालक आपके अगर मम्मी है तो कोई बात नहीं बालक, हम आपको समझा रहे थे और समझदारी एक शिक्षक का काम होता है, इस प्रकार से आपको समझाए कि याद रहे बालक, क्या करोगे तुम आखिर मौत पर मेरी आकर यानी कब्र पर मेरी आकर, ईपी थैप वही कब्र का इंग्लिश होता है बालक, ईपी थैप यहाँ पर कब्र का इंग्लिश समझाना चाहते थे, कब्र का मतलब होता है ईपी थैप। चलो बालक अगला क्वेश्चन है, द विंड विद एप्पल द मोस्ट द कॉटेज ट्री यानी एप्पल, कल हम बालक सेव के बारे में बात किए थे, कैसे
पतझड़ के मौसम में आम सेब, यानी चैप्टर में वो सेब का बात हुआ था, वो कौन सा चैप्टर से लिया गया जल्दी से बता दो बालक, यह कौन सा चैप्टर से लिया गया है? तो बड़ा बालक बात है, 13 का भी बड़ा आसान है और टोट हम इसमें तो कोई ज्यादा नहीं है। कल हम एक सेब का कहानी सुनाए थे बालक, जिसमें बोले थे कि कैसे पतझड़ के मौसम में आम सब पक जाता है, 13 का बी और टू ऑटम। तो वहां कल बालक आम का बात नहीं हुआ था, उस चैप्टर में सेब के बारे में ऑलरेडी दिया हुआ था, एप्पल्स के बारे में दिया हुआ था, ठीक है? बोलो बालक। चलिए बालक नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट नहीं है एक बार कमेंट कर दीजिए, नो डाउट, फिर अगला क्वेश्चन लगाते हैं बालक आपके लिए। एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए, सर हम इंटर पास हो गए हैं लेकिन आपका क्लास करने में हमें अच्छा लगता है। राकेश जी आप हमारे हाजीपुर के प्रथम बैच के स्टूडेंट रह चुके हैं और हाँ हम आपको बखूबी पहचानते हैं और आपका हमारा ये प्रेम है कि आप पास करने के बाद भी हमें याद किए हुए हैं, ये आपका एक प्रेम दर्शाता है बालक, विवेक कुमार नो सर। चलिए बालक ठीक है, अगला क्वेश्चन बालक बता दीजिए, कंस्पायरिंग विथ द हाउ टू लोड, यानी यह भी एक लाइन बताए थे कि कैसे पेड़ पौधा षड्यंत्र कर रहा है, कैसे लोड करने पर, कैसे लोड कर रहा है, ब्लेस कर रहा है कि हर पेड़ पौधा पर आम जो भी फल का पेड़ है वो पक जाए, वह पहचान गए, राकेश कुमार पहचान गए। अरे बोलेंगे नहीं, जिसको हम एक बार देख लेते एक बार बात कर लेते उसको भूलते नहीं है, भले ही बाई चांस नाम भूल जाए शक्ल कभी नहीं, एक बार नाम याद दिला दीजिएगा याद आ जाता है। चलो बालक तो और टोटम, कल हम एक लाइन बताए थे बालक, कल एक लाइन हम बताए थे और टोटम बहुत बढ़िया, कल एक लाइन बताए थे कि कैसे जो पेड़ पौधा है षड्यंत्र कर रहा है, माने अपने आप में विचार कर रहा है कि पतझड़ के मौसम में जो भी फल हो, घास हो, पत्ता हो, उस पर फल जाए, उस पर आ जाए। 14 का ए और टोटम, और टोटम उम्मीद है बालक आप सभी को समझ में आ रहा होगा। एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके लिए बालक, चलो बालक, डैश वाज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर, बालक लवर जैसे ही नेचर का लवर आएगा बालक, जॉन डन याद रखिएगा बालक, जॉन डन अपनी पत्नी के बारे में बोला था, वाइफ के बारे में बोला था, वाल्ट विटमैन बालक सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ अपना आप में गिन गुनगुनाते रहे, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में, यानी पत्ता लीव्स का बात करेगा तो WHOL, और यहाँ पर होगा जॉन किर्स, जॉन किर्स प्रकृति के एक अच्छे बालक, जब प्रकृति अच्छा बसंत के बारे में कोई लिखा, हम बालक लिख लिए बसंत के बारे में, तो बसंत ऋतु हमको अच्छा लगता होगा ना, नेचर यानी प्रकृति जो धरती पर बना हुआ हमको अच्छा लगता होगा ना, तभी तो हम लिखे हैं ना, हाँ कि ना। 15 का ए जॉन किर्स बहुत बढ़िया, सरोज कुमार पासवान 15 का ए आर्या, 15 का ए ठीक है बालक, आप सभी का जवाब बड़ा खूबसूरती से आ रहा है। निकिता सिंह जी सर ठीक है बालक, नीतीश कुमार ए बहुत बढ़िया बालक, आप सभी बड़ा बढ़िया कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए, आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं और बड़े खूबसूरती से क्वेश्चन को करते चलना है। चलिए बालक, इन डैश न्यू लीव्स हैं, यानी कौन सा एक ऐसा मौसम है जहां पर पत्ते झड़ते हैं और नए पत्ते आते हैं। देखिए बालक, स्प्रिंग यानी पतझड़ ऑटम का मतलब होता है जो पुरनका होता है वो निकल जाता है और नया नया पत्ता खिलता है, नया नया पत्ता, तो फिर से आप एक सुंदर रूप ले लेते हैं, एक मनोहर रूप ले लेते हैं, तो कौन सा मौसम में होता है जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। 16 के बी ऑटम ए, अरे स्प्रिंग, देखो बालक यहाँ एगो ऑप्शन है स्प्रिंग, एगो ऑप्शन है ऑटम, तो आप हमेशा ऑटम में जाइएगा, स्प्रिंग में नहीं जाइएगा, स्प्रिंग आपको फंसाने के लिए दे रखा है बालक, जब चैप्टर आप पढ़े हैं ऑल टू ऑटम, जब चैप्टर पढ़े हैं ऑटम, जब पढ़े हैं बसंत पतझड़ का, तो हमेशा ऑटम वाला मारिएगा, स्प्रिंग वाला नहीं मारना है। 16 का भी ऑटम बहुत बढ़िया वाला है, रिमझिम जी बहुत बढ़िया, नीतीश का भी बहुत बढ़िया, सनोज अच्छा बालक, हम एक चीज देखना चाहते हैं कि इसमें गर्ल्स कितना है और बॉयज कितना है, गर्ल्स कितना है और बॉयज कितना है, तो नीतीश एक लड़का है, सनोज दूसरा, विवेक तीसरा। अच्छा बालक, बॉयज जितना एक बार कमेंट करिए तो फिर देखते हैं गर्ल्स का मात्रा ज्यादा है कि बॉयज का मात्रा ज्यादा है, सब लोग कमेंट करिए तो बालक। अच्छा अभी 8 लोग लाइव हैं, इसमें कितना लोग लड़के और कितना लोग लड़का है थोड़ा सा एक बार हम चेक करना चाहते हैं कि लड़की भारी है कि इस बार लड़का भारी है।
कमेंट करना ही तो बंद कर दिया। नीतीश एक हुआ, चलो ठीक है नीतीश एक, चलो इधर लड़का का इधर लड़की का काम करते हैं। नीतीश एक और, अरे कमेंटो ना करता है रे, अरे अपना पहचान बताने में कैसा शर्म बालक, आप लड़का है लड़की इसमें पहचान बताने में कैसा शर्म। सनोज दूसरा, निकिता एक, रिमझिम दो, दोनों दो दो पर है। और कोई बालक, दो लड़का और दो लड़की अभी तक काउंट हुआ है, कमेंट करिए तो एक बार काउंट कर लेते हैं बालक, चार हुआ है। और कोई बालक, रूबी तीन, सनोज तीन, ठीक है। आर्या हम भी ठीक है, चार आर्या, चार आर्या, रूबी, रिमझिम, रजनीश चार, हाँ नीतीश पांच, रजनीश बॉय, निकिता तुम कर लो, हाँ चलो बालक, हाँ 50-50 के एवरेज में है, यानी अगर चार पांच लड़का है तो चार पांच लड़की भी है, दोनों का रेशियो सेम है बालक। विवेक कुमार बहुत बढ़िया। तो जब हम लड़का लोग से आग्रह करना चाहते हैं बालक कि थोड़ा सा लाइव का जो है संख्या वो बढ़ाइए, लाइव का संख्या बढ़ाइए बालक। जो भी मेरे स्टूडेंट्स इस वीडियो को नहीं देखते हैं पाप चलेगा बउआ, बहुत पाप चलेगा। हम आपसे हाथ जोड़ कर आग्रह कर रहे हैं हमारा लाइव को पसंद करिए और देखिए, इसीलिए नहीं क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, इसीलिए क्योंकि आपका एग्जाम के पर्पज से हम तैयारी करवा रहे हैं, आपके एग्जाम के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी हम मेहनत कर रहे हैं, किस लिए बालक, आप सभी के लिए। और आप सभी जब इतना कम लाइव रहेगा तो कैसे होगा बालक, हाँ तो जल्दी से सभी लोग रहिए, हम आपके लिए आते हैं तो आप रहना आवश्यक है। चलिए बालक अगला क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन बता दीजिएगा, एन गैदरिंग स्लो ट्विटर इन द स्काई। चलो बालक इस कविता का लास्ट लाइन ट्विटर वाला हम बताए थे कि आकाश में कैसे चहचहा रही है, ये लास्ट लाइन ऑल टू ऑटम जिसको लिखा है जॉन किट्स, उसी का लास्ट लाइन है बालक, इसका लास्ट लाइन है 17 का सी ऑल टू ऑटम। हम बताए थे कि कैसे सब जगह आकाश में एक जगह इकट्ठा हो गया, ट्विटर का मतलब होता है कमेंट करना, चहचहा रहा है, बोल रहा है, यह कल बालक हम कल लास्ट लाइन में पढ़ाए थे ना बालक, कल लास्ट लाइन में पढ़ाए थे। तो बस याद रखना है कि आकाश में कैसे सब लोग चहचहा रहा है, बोल रहा है, तो इसका सही आंसर बालक ऑल टू ऑटम जिसको लिखा है जॉन किट्स। अगला क्वेश्चन बालक, सीजन ऑफ मिस्ट, देखिए कल का पहला लाइन ही ले लिया, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेनो फ्रूट, मिस्ट का मतलब हम कल कलने वाले बताए भी है धुंध, और फ्रूट का मतलब, मेलो का मतलब होता है रसीला पका हुआ, मेलो का मतलब होता है रसीला पका हुआ। सर सभी लोग दीपावली में बिजी है, हाँ सनोज जी एक यह भी कारण है कि दीपावली के कारण सब व्यस्त है, मगर बालक जो खासकर इंटर 12th में इस बार एग्जाम दे रहे हैं वो सब काम धाम छोड़ के इस वीडियो को देखिए, क्योंकि एग्जाम पहला प्राथमिकता है, साफ अगला साल भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपसे दुखी नहीं होगा। कल का बालक जैसे ही हम पहला लाइन पढ़ाए थे कि हम आपको खोल कर भी दिखा देते हैं, 18 है ना, हम आपको पीडीएफ दिखा देते हैं कल बालक, और टू ऑटम 15, चलो बालक इसी को ले लेते हैं, कल वाला पीडीएफ जो हम पढ़ा है उसको खोल कर भी देखा, देखिए बालक कल का पहला ही पैराग्राफ है लिखा हुआ है सीजन ऑफ मिस एंड मेलो, यानी यह लाइन एगो पूछ दिया है बालक, और कौन कौन पूछा है देख लीजिए, एगो बालक आपसे क्या पूछा था, अभी लास्ट लाइन वाला भी पूछा है देख लीजिए, एंड गैदरिंग सोलिड ट्यूटर इन द स्काई, पहला और लास्ट लाइन पूछ लिया है, पहला और लास्ट लाइन आपसे पूछा है, और देख लीजिए बालक यहाँ पर 25-30 करके दिया हुआ है ना कल वाला, और इसमें से आपको कोई लाइन पूछा नहीं है, तो बालक यहाँ तक कि कल जो पहला और अंतिम लाइन आपसे पूछ लिया है कि यह दोनों किसने लिखा है, तो बालक जॉन किट्स और टू ऑटम, समझे। चलिए बालक दो क्वेश्चन और बचा हुआ है उसको देख लेते हैं, द वाज द लास्ट ओजिंग, देखिए बालक आवर्स बाय आवर यानी बूंद बूंद से टपक रहा है, बूंद बूंद से टपक रहा है बालक, अभी हम बताए देख लीजिए यहाँ पर, देख लीजिए यहाँ पर, यानी तीसरा यानी बीसवा के नीचे लिखा हुआ ओजिंग,
आवर्स बाय आवर। हम कल बताए भी थे कि कैसे घंटा भर एक एक दरमियान, जब हम बताए थे कि कैसे एक एक पल सुहावना होता है, जब आप नदी किनारे बैठते हैं तो एक एक पल कितना शांत तो होता है, इंटरटेनिंग होता है आपके लिए, कितना मैंने आरामदायी होता है, ये बताए थे। 19 का सी और टोटल, हाँ बालक वही क्वेश्चन पूछिए और कुछ है नहीं, 19 का और टोटल। चलिए बालक आज का लास्ट क्वेश्चन है, हु सिट केयरलेसली ऑन द ग्रेनी फ्लोर्स, यानी ग्रेनरी फ्लोर यानी हरियाली बीच पर कौन बालक बैठ रहा है, हरियाली बीच पर हरियाली घास पर कौन बालक बैठ रहा है। 20 का आंसर दे दीजिए बालक, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ 20, 20 का आंसर बता दीजिए क्या होगा। हरियर घास पर, ग्रेनरी का मतलब होता है हरा भरा घास पर, हरा भरा फ्लोर पर कौन बैठा था, ओल्ड मैन, यंग मैन, चिल्ड्रेन, ओमेन, जल्दी से बताओ बालक। 20 का क्या आंसर होगा, 18-19 आसान क्वेश्चन था, यह बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, 20 नंबर बड़ा अच्छा क्वेश्चन था बालक। 20 का जवाब दे दीजिए बालक, 20 का सी यंग मैन, 20 का सी निकिता का आया है सी, नीतीश का आया है सी। जो लोग भी सी दिए हैं घर पर पढ़े नहीं है बालक, घर पर पढ़े नहीं है, जितना मेहनत हम करते हैं उतना मेहनत आप भी करिए बालक। 20 का सी नहीं होगा, 20 का ए ओल्ड मैन। रिमझिम का जवाब बहुत बढ़िया, हम आपको पढ़ कर बता देते हैं बालक। चलो बालक तुम लोग को हम पहला पैराग्राफ पढ़ ही का बता देते हैं, इसमें तो नहीं लिखा होगा क्लेनी सेल्स, आगे बढ़ते हैं बालक। चलो बालक इसमें कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा ओमेन, हु हैज नॉट सीन द एमिस्ट एनी सोल सम टाइम हु हैव सिक अब्रॉड फाइन। तो बालक इसका ग्रेनरी फ्लोर देख लीजिए, यहाँ पर जो ग्रेनरी फ्लोर का बात किया जा रहा है उसी का बात किया जा रहा है, यानी एक बालक लड़की के बारे में बात किया गया है इस चैप्टर में, कहीं ना कहीं लड़की के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है बालक। यानी इस क्वेश्चन का जवाब 20 का जवाब हो जाएगा बालक, 20 का जवाब ओल्ड मैन, ओल्ड मैन लड़की नहीं एक ओल्ड मैन, जो पतझड़ का मौसम ही बैठ कर डंडा मार रहा है। सॉरी सर ये क्वेश्चन नहीं था, बस ऐसे ही आंसर। हाँ बालक ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है, क्योंकि यह क्वेश्चन में हम भी कल नहीं बताए थे कि एक औरत ओल्ड मैन औरत नहीं एक बूढ़ा आदमी बैठकर ये विचार कर रहा है बालक, कैसे पता। अच्छा बालक सिंपल सा समझ लेना, यह चैप्टर जॉन किट्स अपना अनुभव बता रहा है, यह चैप्टर जॉन किट्स अपना अनुभव बता रहा है, और जॉन किट्स कहीं ना कहीं जिस समय में ये लिखा था 1819 ईस्वी में वह बूढ़ा हो चुका था, और वही अपना भावना बता रहा है इसीलिए बालक। और इस चैप्टर में कहीं बालक यंग मैन का जिक्र नहीं है, चिल्ड्रन का जिक्र नहीं है, ओमैन का जिक्र नहीं है, कहीं इन सभी का जिक्र नहीं है, तो जो लिखने वाला है उसी का जिक्र हो गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे समझ लीजिए, जो लिखा है क्या बात है नितेश जी बहुत ध्यान दे रहे हैं निकिता जी पर, आय हाय हाय। चलिए बालक समझ में आ गया, आपका ऑड टू ऑटम समाप्त होता है ऑब्जेक्टिव। कल बालक कल थोड़ा सा प्यार से समझ लीजिए कल बालक, यानी हम राइटर तक पढ़ लिए थे, अब इस चैप्टर में जो भी एक्सरसाइज बचा हुआ है बालक उस एक्सरसाइज को हम करेंगे, और कल बालक ऑड टू ऑटम का लास्ट क्लास है, ऑड टू ऑटम का लास्ट क्लास होगा। कल हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, परसों हम एक नया एन बी राजपूत टॉक टू मी। चलिए बालक यहां तक किसी को कोई डाउट है तो एक बार बता दीजिए, नो डाउट कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है जल्दी से बता दीजिए। नीतीश कुमार नो सर, आप हंसने वाला फोटो का सर, आज का फीलिंग आपका गुड नहीं था। सनोज कुमार पासवान ओके सर, सनोज जी हर बार एक ही प्रकार का मिजाज नहीं होता, कभी खुश कभी गम कभी दुख कभी सुख यही जीवन में चलते रहता है, रोज हम एक ही उत्साह के साथ ऐसा जरूरी नहीं हो, क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति के पास अनेकों काम होता है
और उसी मूड के अकॉर्डिंग आप बात करते हैं। और हमारे आने का समय पता है बालक 7:30, हो सकता है कभी मूड ऑफ हो कभी, मगर फिर भी हम आपके लिए आते हैं, फिर भी हम आपके लिए आते हैं। यही आप सोचिए कि आपके लिए हम आते हैं बालक। गुड नाइट टू ऑल माय योर फ्रेंड्स एंड ट्विटर। निकिता सिंह बराबर कमेंट करती है और अपने खास कर कमेंट करने वालों का भी ध्यान रखती है। चलिए बालक इसी की तरह होना चाहिए, सब लोग एक पढ़ाई का माहौल बनाते हुए सब लोग शेयर कर दीजिए। और जितना जो नहीं रहता है ऑफलाइन में ना, याद रखिएगा कहीं ऐसा ना हो कि आप परीक्षा के बाद पछताइए, कहीं ऐसा ना हो कि एग्जाम से निकलने के बाद आप पछताइए। इसीलिए बालक अभी से सर आज पढ़ाई में मजा आ गया। हाँ बालक मजा रोज आएगा, मजा रोज आएगा, क्योंकि हम पढ़ाते हैं तो पूरे उत्साह, भले कभी कम या बेसी हो जाता हो, रूबी नो सर। चलिए बालक एग्जाम के बाद पछताने से अच्छा है बालक कि अभी हमारी बातों को शांति से समझ लिया जाए, और जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक बड़े ही गहराई से एक एक पॉइंट को पढ़ लीजिए कि परीक्षा के निकलने के बाद हमारा नाम लीजिए कि नहीं फलना सर हमको बहुत बढ़िया से समझा देगा। तो एक बार पढ़ लीजिए, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं, और खासकर ऑनलाइन। और इतना तो बालक आपका क्रैश कोर्स में ऑफलाइन में भी कोई टीचर नहीं पढ़ा रहा होगा जितना खूबसूरती से हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है क्लास को खत्म करते हैं। SSC GD का बैच कब आएगा सर? बालक SSC GD का अगर कोई भी अपडेट होगा तब हम आपको अपडेट कर देंगे राकेश जी। यस सर। ठीक है क्लास को खत्म करें बालक, या किसी को और कुछ पूछना है? क्या होता है हेडबैंड लगाने से कान चप जाता है, इसलिए कभी कभी खोल भी देते हैं। बता दीजिए बालक क्लास खत्म करें। जी सर। ओके सर, बाय सर। आप लोग भी ध्यान रखिए, एंजॉय करिए, दिवाली का मजा लेते रहिए, काम करिए, साथ साथ पढ़ते रहिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। कल एक बार बहुत ही खूबसूरत शायरी हम आपको सुनाएंगे, याद रखिए कल हम एक शायरी सुनाएंगे आप लोगों को बड़ा बढ़िया जो हम खुद लिखे हैं।